भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर ने गुजरात में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित झूठ को उजागर किया है। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान रविवार को प्रधानमंत्री ने गुजरात चुनाव में पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर सामने आकर बताया कि उस बैठक में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब इसी मुद्दे को निशाने पर लेते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हर दिन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपुष्ट और अविश्वसनीय कहानियां लेकर क्यों आ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब पाकिस्तान के उच्च आयुक्त और जनरलों को घसीटना गलत है। हालांकि सिन्हा ने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का कहीं नाम नहीं लिखा है, बस सर लिखकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि महोदय, नए ट्विस्ट और मुड़ने के बजाय आप उन मुद्दों पर बात करें जो आपके विकास मॉडल में वादे किए थे, जैसे आवास, विकास, रोजगार, हेल्थ, शिक्षा। सांप्रदायिकता फैलाने वाले वातावरण को रोकें और स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ चुनावों में वापस जाएं। जय हिंद। बता दें कि गुजरात के पालनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते समय पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। मोदी ने अपनी बात में प्रमाण में कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अय्यर के आवास पर पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात की थी। इस बीच पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर ने भी खुद के इस बैठक में मौजूद रहने की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी के आरोपों को खारिज कर दिया है। एक अखबार से बातचीत में कपूर ने कहा, हां, मैं इस बैठक का हिस्सा था। इस मीटिंग में भारत पाकिस्तान संबंधों के अलावा अन्य किसी पर चर्चा नहीं हुई। 23वें सेना अध्यक्ष के तौर पर दीपक कपूर मार्च 2010 में अपने पद से रिटायर हुए थे। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश में सर्वोच्च पद पर बैठकर मोदी जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी चिंतित, हताश और गुस्से में हैं। हालांकि जिस ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है वो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़मैक्स।